हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार uh, आज शो में मेरे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद है जिनका मुक्काबाज से रंगबाज का सफर बहुत बहुत ही तालियो भरा रहा है सो so, um, एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार है और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान इन कॉन्वर्सेशन विनीत सिंह विद रंगबाज थ्री बहुत बहुत स्वागत है विनीता आपका धन्यवाद तो so, रिलीज़ हो गई है जी बहुत बहुत ही अच्छे मतलब मैंने देखी है मुझे पता है कि कैसा सोशल मीडिया पे क्या क्या समा बना है आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है क्या आपको मिल, सुनने को मिल रहा है इसके बाद आप बहुत खुश हूँ लोगों को शो पसंद आ रहा है लोगों को काम पसंद आ रहा है और आ, मैं एक्चुअली बताऊँ बहुत सरप्राइज हुआ मुझे सैटरडे संडे ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे करियर में कि ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आ रही हैं सिंगापुर मॉरिशस यूके कनाडा मैं बोला ये हुआ क्या जी, जी क्योंकि मेरी फिल्म कभी इंटरनेशनली ऐसी तो रिलीज मतलब हुँ. मेरा स्ट्रगल ये था कि भाई यहाँ पे ठीक से रिलीज हो जाए तो जब ये कॉल्स आनी शुरू हुई तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि ये ओ मतलब कैसा पसरा है जी. और कहाँ तक जा रहा है जी. आ, एक कॉमन चीज मैंने देखी ज्यादातर लोगों का ये था कि आधा आज देखेंगे आधा कल देखेंगे अच्छा. और जब आधा हुआ तो बोले काम कल होगा पूरा <laughs> आज देखेंगे जी 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 आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि जो रिस्पांस है हर तरफ से बहुत खुश हूँ बट बट मेरे को बताइए ये ये जो आप बोल रहे कि सरप्राइजिंग था बहुत ज़्यादा ये तो पहले भी हो चुका है ना हाँ ये हुआ मतलब है लेकिन मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आ रही होंगी तो मेरी फिल्म वहाँ रिलीज हुई नहीं हाँ। तो लोगों ने या तो डीवीडी पे देखी और इस बार एकदम से ऐसा लगा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं बाहर जाऊं दूसरे देश में जाऊं तो लोग uh, मुझे पहचाने बोले यार ये बहुत बढ़िया एक्टर जी, जी। ये हमेशा से रहा लेकिन जब काम ही नहीं पहुंच रहा तो आप कैसे बोलोगे जी, जी। जी। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में जाता था वहाँ जब लोग फिल्म देखते थे तो वो चीज़ होती थी पूरी जी। लेकिन दिस टाइम इज समथिंग एक ही समय में एक ही टाइम में सो मेनी कंट्रीज पीपल आर वॉचिंग जी और वो पसंद कर रियली हैप्पी कंग्रेचुलेशन फॉर यू नो ये जो शो है जी फाइव का रंगबाज है uh, इसका एक अलग ही एक लेगेसी बना हुआ है यू you नो know? um, पहले भी जो सीजन्स आ चुके हैं लोगों ने बहुत पसंद किए हैं बहुत ही कमाल के सीजन्स रहे हैं आपको लगता है ये कहीं ना कहीं अफकोर्स आपके आपके ऊपर मुझे लगता है एक सेल्फ प्रेशर तो रहता ही है किसी भी अच्छे एक्टर पर कि मुझे जो मैंने पिछला किया उससे मुझे अच्छा करना ही है बट एक इसके लेगेसी की वजह से भी कुछ एक सेल्फ प्रेशर रहा आप पर नहीं प्रेशर नहीं रहा और आ, मुझे अच्छा करना है इसका प्रेशर रहे ऐसा भी नहीं होता हाँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ राइटर को सुनता हूँ डायरेक्टर से बात करता हूँ शो रनर से बात करता हूँ और काम में लग जाता हूँ जैसे ये जब मैंने हाँ की थी तभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुई थी मैंने नवदीप सिंह और अजय राय, राय जो अजय राय जो प्रोड्यूसर हैं नवदीप सिंह शो रनर हैं तो अजय के साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर और मुक्काबाज़ की थी तो इज़ माई लकी चाम नवदीप के साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था तो जब मुझे नवदीप ने डिटेल कुछ बताया कि हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी तो आई सेड ओके लेट्स डू इट और तभी स्क्रिप्ट फाइनल हुई नहीं थी इनिशियल स्टेज में थी मैंने बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ूंगा उसके बाद फाइनल टिक मारूंगा हुँ। हुँ। और धीरे धीरे स्क्रिप्ट जो है अपना शेप लेती गई एंड मैंने चार महीने पहले काम बंद कर दिया ये, जी, ये, मुझे पता लगा आपके तो बारे मुझे तो मुझे, तो मुझे ये दिख गया था कि यार ये कुछ है मज़ेदार इसको जम के करते हैं और फिर अब दुनिया के सामने है लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये लगता है हाँ जो डिसीजन लिया सही लिया पहले के सीजन देखे थे आपने हाँ देखे थे पहले देखे थे तो मुझे बताइए जब आप बोलते हैं कि ये मेरा सवाल आने ही वाला था आपने अच्छा किया ये मेंशन कर ही दिया इंटरव्यू में कि आपने चार महीना पहले या कितनी भी टाइम हुँ, पहले हुँ. आपने काम बंद कर दिया था यू वर टोटली फोकस्ड हियर राइट तो मुझे बताइए जब एक ऐसा एक एक्टर के साथ होता है तो आपको लगता है कि आप वो पोजिशन में

लेकिन मजबूरी में जब इंसान बरसात पे भीगता है तो वो आंसू की धार है या पानी की धार पता, पता नहीं चलता, नहीं चलता। नहीं। लेकिन उस आदमी को पता होता है कि ये जो गर्म पानी बह रहा है ये मेरे आंसू हैं तो एक काम का नाम मिलना और उसका एहसास और अपनी मर्जी से काम ना करना और एक काम पे फोकस करना दोनों में बहुत फ़र्क है तो मैंने वो दिन बहुत लंबे समय तक देखे मेरे पास काम ही नहीं था लेकिन अब जब काम आता है तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ तो रंगबाज जब मेरे पास आई तो मुझे पता था कि रंगबाज वन और टू को बहुत प्यार मिला है लोगों ने पसंद किया जी, है जी। तो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज़ के साथ जुड़ने जा रहा था लेकिन स्क्रिप्ट जो है जिस तरीके से मैंने सुना और जिस तरीके से लोग सोच रहे थे नवदीप जिस तरीके से सोच रहे थे और सिद्धार्थ मिश्रा जो इसके राइटर हैं उनसे जब बात हुई तो मुझे ये समझ में आने लग गया था ये जो है ना वैक्सीन की बूस्टर डोज है <laughs> मतलब ये तीसरा रंगबाज जो है ये बूस्टर डोज होने वाला है एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो सोचा आ, इतने लंबे समय तक सबने मिल के <laughs> आ, साथ में काम किया अब दर्शकों के सामने है और उनका प्यार मिल नहीं रहा बरस रहा है कितनी कितनी अच्छी बात है ये एक एक्ट्रेस से सुनना कि उसने जो भी मेहनत किया वो आ, सफल हो गई है आ, विनीत जब भी ऐसा कोई शो आता है जिसमें आप पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं क्राइम का बात कर रहे हैं इनफैक्ट मूवीज़ भी जब ऑफ कोर्स ओटीटी पे तो अब जब ओटीटी आया तो उस पर ट्रेंड आया उससे पहले देखिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रही है जिसमें गैंगस्टर्स को दिखाया गया है पोलिटिकल क्राइम्स को दिखाया गया है एक बात जो हमेशा रहती है वो ये होती है कि आप किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे हैं जब मैंने शो देखा ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था मुझे लगा कि जैसे ही मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट वे में जैसे ही वो ग्लोरीफाई होता है वैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जब लोग को लगता है कि नहीं क्रूअल है यू you नो know, कुछ गलत है इसके बारे में तो वो जो एक बैलेंस एक, एक बनाना होता है कि एक उसको एक हीरो नहीं बनाना है और फिर भी हीरो बनाना है यू you नो know, तो वो एक एक्टर के माध्यम से आप कैसे कर पाते हैं सी uh, मैं ये सोच के uh, कभी भी नहीं करता कि uh, इसका महिमा मंडन करना है जी. ये सोच के भी नहीं करता कि इसको uh, खाक में मिला देना है जी. मैं उस किरदार को जब हाँ करता हूँ तो पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ कि ये मैं हूँ और जो चीज़ लिखी हुई है और जो किरदार की प्रिपरेशन में मैंने किरदार को जो समझा है उसमें पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ता हूँ फिर सिचुएशंस स्क्रिप्ट में होती हैं मैं उसमें पूरे बिलीव के साथ जाता हूँ कि ये मैं हूँ मैं से मेरा मतलब हारून शाह अली बेग जिसे लोग प्यार से साहेब बुलाते हैं तो वो ऑनेस्टी लोगों तक पहुँचती है और आ, ये इंटेंशन कभी नहीं होता कि किसी को गिरा दो या किसी को बना दो क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो मैं उस सीन में आ, मैं खुद ईमानदार नहीं हूँ तो ये सीन ईमानदारी के साथ देखने वालों तक नहीं पहुँचेगा तो ये मैनिपुलेशन नहीं होती इनफैक्ट जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो चीज़ें डिसपेयर हो जाती मेरे लिए कि कैमरा है लेकिन नहीं है मेरे लिए और जो सामने किरदार है उससे बात करता हूँ या हारून शाह अली बेग के आ, अगर कैरेक्टर को देखें तो कई बार सामने किरदार नहीं है किरदार के रूप में आ, साइलेंस है और वो बैठा है जी। तो वो साइलेंस ही मेरे लिए किरदार होता है जिस तरह का साइलेंस है वो उसके हेड में है तो जब मैं फील करूंगा तो ऑडियंस फील करेगी तो ये कभी इंटेंशन नहीं होता इस तरीके का कभी प्रेशर नहीं होता ईमानदारी से काम करता हूँ मैं बिलीव करके करता हूँ हाँ यही हुआ है और हारूण शाह अली बेग यही करेगा क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत मेरी यही होती है कि मैं किरदार के दिमाग को समझ जाऊँ कि ये सोचता कैसे ये ऐसा क्यों सोचता है ऐसा क्यों करता है तो उसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ता है और उसमें मैं इन चीज़ों को टटोलता हूँ कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसे परिवार में है जी। इसके बचपन में ऐसा क्या कुछ हुआ है क्या जिसका असर इसके मन पे है कोई कुंठा है क्या अंदर या किसी चीज़ का फॉल्स प्राइड है क्या आ, ये अपनी लाइफ से चाहता क्या है इस तरीके के कई मेरे सवाल होते हैं जिनको मैं खोजता हूँ मुझे नहीं समझ आता तो राइटर से बात करता हूँ और अभी आज के टाइम में तो इतनी सारी चीज़ें नेट पे हैं तो बहुत सारे गैंगस्टर्स जो पॉलिटिशियन बने सबके इंटरव्यूज़ देख गया बहुत ही उनके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश की उनके तेवर को समझने की कोशिश की और जो जो चीज़ें हारून शाहिबेग के लिए मैं यूज़ कर सकता था उसको लाने की कोशिश की और यही तरीका है जी। आप ईमानदारी से उस मोमेंट में रहिए एक्शन और कट के बीच में वो ईमानदारी लोगों तक पहुंच जाती है सो so, विनीत सिंह को कब पता लगता है कि ये जो एक सीन मिला है मुझे या एक सीक्वेंस जो चल रहा है ये हो गया मेरी तरफ से जितना मैं अच्छा कर सकता था ये कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप अपने आप को कुछ रहा नहीं रहा ये एक एहसास होता है जैसे यहाँ से कोई अभी गुलाब का फूल लेके गुजरे तो खुशबू मुझ तक पहुँच जाती है right. राइट वो कोई देख नहीं पा रहा है लेकिन मैं उसे महसूस कर रहा हूँ बस ऐसे ही सीन के साथ मेरा रिश्ता है वो खुशबू कहीं अंदर मैं एहसास कर चुका होता हूँ कुछ हो गया है बाकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कि कैमरे का जो एंगल है फोकस है या किसी की एंट्री है आगे पीछे हो गई तो हमें रीटेक पे जाना है या कोई लाइट फ्लिकर हो गई तो हमें दूसरे टेक पे जाना है अदरवाइज ये मैं मुझे एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ हो गया है बाकी टेक्निकल टीम जो तय करे डायरेक्टर बैठे हैं तो आ, मैं तो सरेंडर करके काम करता हूँ डायरेक्टर को जी जी, जी। आ, मुझे एक बात बताइए विनीत आपने बोला कि एक बहुत ही मेहनत के बाद ये पोजीशन पे पहुँचे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे Uh, क्या विनीत सिंह फिर इस पोजीशन पर है जहाँ पे वो स्क्रिप्ट्स को खुद से चूज करके मना कर सकते हैं हाँ मतलब मुक्काबाज के बाद uh, मेरे पास मेरी जिंदगी में द मुक्काबाज हुई 18 साल के जी. बाद और uh, वो मेरा सपना था तो पहली बार पूरा हुआ अठारह साल लगे हुँ. लेकिन उसने मुझे मेरी लाइफ के दस साल वापस किए उस अकेली फिल्म में हुँ. प्लस uh, एक ऐसी स्थिति में मैं पहुंचा एज एन एक्टर जहां पे आ, मेरे पास ऑप्शंस थे और आ, मैं उनमें फिर अच्छा काम चूज़ करता हूं चाहे वो विद डेस्टिनी हो या आधार हो जी। या कोई ऐसी फिल्म जिससे किसी बेहतर प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरे मेरी शुरुआत हो सके बेहतर रिश्ता शुरू हो सके क्योंकि पहल तो करनी पड़ेगी जी। तो आ, मैं उस पोजीशन में पहुंचा उसमें बहुत बड़ा योगदान है मुक्काबाज का हुँ, हुँ. और दायरे बड़े बड़े करना चाहता हूं हुँ. मैं चाहता हूं कि जिस तरीके की फिल्म्स और सीरीज मैंने की वो उसमें आपको देखेगा कि रोमांटिक चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं मतलब <laughs> मुक्काबाज में एक अंश है थोड़ा है जी। लेकिन सच बताऊं मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो ज्वाइंट फैमिली की है और ज्वाइंट फैमिली में मतलब पूरे दिन कुछ न कुछ धूम धड़ाका चलता रहता है जी और आ, मैं चाहता हूं कि स्लाइस ऑफ लाइफ कुछ ऐसी फिल्में करूं जो कि मैं जीता आया हूं मेरी फैमिली में और रोमांटिक फिल्में करना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहता हूँ mm -hmm. मैं मेरे तरीके से करूँगा <laughs> एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ रंगबाज के बाद आ, बातें भी शुरू हुई हैं mm -hmm. तो लेस सी स्क्रिप्ट अगर मज़ेदार रही तो मैं ऐसे कुछ किरदार जो आई आई होप आई होप जो जो भी हमें अगर डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स देख रहे हैं यहाँ पर है एक रोमांटिक हीरो yes. आप आप दूर मत जाइए रंगबाज देख लिया ठीक है मुक्काबाज देख लिया ठीक है अब थोड़ा रोमांस हो जाए सो फिर ये बताइए कि अब जैसे कि आप, आप बता नहीं थे कि पोलिटिकली पोलिटिकल क्राइम्स में जब भी आप स्टार करते हैं या कोई भी आप कहानी लेते हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को थोड़ा खींच लेते हैं इधर उधर से इमोशनल इस काइंड काइंड ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट मतलब आप इस तरीके से शिद्दत से अपने को इन्वेस्ट करते हैं टोल लेता है क्या कही ना कही, पर, मतलब, are, हाँ, एक्टर, मेरी बहन <laughs> से पूछिए जब मैं प्रिपरेशन शुरू करता हूँ तो अनुइंगली धीरे धीरे मेरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू होती आ, मेरी बातचीत करने का रिदम बदलना शुरू होता है जैसे साहिब के किरदार के प्रिपरेशन में आ, मेरे उठने बैठने के तरीके बदलने शुरू हुए <laughs> तो मैं ना थोड़ा सा इन चीज़ों को जानता हूँ mm -hmm. जैसे पहले आ, कुछ एक ऐसी फिल्में की थी और मैं गया किसी प्रोड्यूसर को मिलने और वो मुझे ऐसा कोई रुबाब वाले रोल में देख रहा था और मैं जो जिस प्रोसेस में था उस समय mm -hmm. आ, वो वैसा था जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाता <laughs> तो मैं बात करते 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 ऐसे होके बैठ गया था और उनसे बात कर रहा था उनको ये लगा यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो मतलब मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ ये कुछ अलग है तो वो मैं नहीं हूँ वो वो किरदार है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था